देहरादून से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को अलग रूम नहीं मिला है। रूम ना मिलने से नाराज हुई है इंदिरा हृदयेश। आपको बता दें, कई वीवीआईपी के फोन के बाद भी रूम नहीं मिला। इंदिरा ने जताई नाराजगी और कहा सरकार पूरी तरीके से फेल है। नेता प्रतिपक्ष को सिनर्जी अस्पताल में अब भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जो है वो मैक्स अस्पताल में एडमिट हुई थी। उनको उनका जो कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया था, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में अलग रूम ना मिलने से वो नाराज हुई हैं खासा। और उन्होंने कहा कि कई वीवीआईपी से फोन कराने के बाद भी उन्हें जो रूम है वो नहीं मिला। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव पाई गई है, तो वहीं अब वो नाराज चल रही है, वो भी इस वजह से क्योंकि उन्हें अलग रूम अस्पताल के अंदर नहीं मिला। बिल्कुल अभिषेक, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कोरोना के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, और नेता प्रतिपक्ष जो अब खुद कोविड पॉजिटिव आई हैं, तो ऐसे में उन्होंने और चिंता जाहिर की है। दो दिन पहले हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर उनकी तबीयत बिगड़ी, और जिसके बाद सुशीला तिवारी अस्पताल में हल्द्वानी में उनको एडमिट कराया गया था, और वहां पर जब कोविड टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकला, जिसके बाद कल उनको हेली के माध्यम से देहरादून रेफर किया गया था। और यहाँ पर सीधे तौर पर जो जानकारी आई थी कि उनको मैक्स अस्पताल में एडमिट किया गया है, लेकिन देर शाम होते होते ये बात भी सामने आ गई कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को मैक्स अस्पताल में एक प्राइवेट रूम नहीं दिया गया। डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तबीयत ज्यादा खराब थी, इसके चलते इनको आईसीयू में रखने की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि उनकी इतनी तबीयत नहीं बिगड़ी है कि उनको आईसीयू में रखा जाए, वो प्राइवेट रूम की मांग कर रही थी। और कई वीवीआईपीज ने नेता प्रतिपक्ष के लिए फोन किया, खुद नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तराखंड में, तो उनका भी खुद का अपना जलवा है, लेकिन वो भी काम नहीं आया। ऐसे में अब उनको सिनर्जी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, और सीधे तौर पर अब सरकार पर एक और आरोप लगाया गया है विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि सरकार कोविड के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। अनलॉक के साथ भी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाई है, और लॉकडाउन के पहले दिन से जो आरोप विपक्ष लगा रहा था वो सही साबित हो रहे हैं। अजीत, ये कहना ठीक होगा, अजीत ये कहना ठीक होगा कि जो वीवीआईपी है उनको अगर बेहतर सुविधा नहीं मिलती है, उनको अलग रूम नहीं मिलता है, तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, क्योंकि तमाम अगर राज्य के जो लोग हैं उनकी भी बात की जाए तो वो लोग भी इलाज करा रहे हैं, बल्कि इससे बुरी तरीके से उनका इलाज हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके का आरोप लगाना कि सरकार पूरी तरीके से फेल है, वो भी केवल इसलिए कि उनको एक अलग रूम नहीं मिला। बिल्कुल, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम ट्रीटमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन खुद बड़े चेहरे अगर इस तरह की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष सरकार में सीधे तौर पर एक बड़ा चेहरा होता है, सीधे तौर पर विपक्ष का बड़ा नेता होता है, अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है और खुद उनके लिए ही अगर प्राइवेट रूम नहीं मिल पा रहा तो अन्य लोगों की क्या स्थिति होगी। नेता प्रतिपक्ष के लिए तमाम लोगों ने फोन किए मैक्स प्रबंधन को, लेकिन मैक्स प्रबंधन ने साफ हाथ खड़े करने का काम किया कि प्राइवेट रूम वो नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, आईसीयू में वो जरूर एडमिट कर सकते हैं, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष को दूसरे प्राइवेट अस्पताल में यहां पर एडमिट किया गया है राजधानी देहरादून में। तो साफ है कि अगर नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े चेहरे की हालत इस तरह होगी कि उनको दर भटकना पड़े प्राइवेट रूम के लिए, तो साफ है कि अन्य लोगों की स्थिति क्या होगी। उत्तराखंड में 40,000 से ज्यादा का आंकड़ा हो चुका है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का, तो साफ है कि इतनी ज्यादा संख्या में अगर कोविड पेशेंट्स हैं और उनको किस तरह से यहां पर ट्रीट किया जा रहा होगा, इसको लेकर सरकार को दोबारा से अपना सोचना होगा, रणनीति बदलनी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि रिकवरी रेट में दोबारा इजाफा होने लगा है, लेकिन यह भी साफ है सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आपने सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है और जो रिकवरी रेट है वो अब एक बार फिर बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे तक पहुंचाने के लिए।